अक्षरा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय कितना दस अध्याय दस ये श्लोक संख्या बारह तेरह ये श्लोक संख्या बारह और तेरह है तो मेरे पीछे बोलिए सब लोग अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं देव्यं आदिदेवं अजं विभो अनुवाद मेरे पीछे बोलिए अर्जुन ने कहा आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के जो शब्द हैं इनको समझेंगे। ये शब्द अर्जुन कह रहे हैं अर्जुन आवाज अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म है परम धाम पवित्रम परमं भवान तीन विशेषताएं हैं अर्जुन ने भगवान की तीन विशेषताएं बताई पहली पंक्ति में और प्रत्येक में परम शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्म भी हैं तो आप क्या हैं परम ब्रह्म हैं धाम भी हैं तो आप कैसे धाम हैं परम धाम हैं और पवित्र भी हैं आप तो कैसे पवित्र हैं परमं पवित्रम परमं पवित्रम है ना तो तीनों में परम शब्द का प्रयोग किया है। फिर पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आप पुरुष हैं पुरुष की कितनी विशेषताएं हैं एक तो है शाश्वत हैं दिव्य हैं और आदिदेव हैं अजय हैं और विभू हैं कितनी विशेषताएं हैं पुरुष की शाश्वतम एक है दूसरी दिव्य और तीसरी आदिदेव और चौथी अजन्मा और पांचवी विभू। आप पुरुष हैं कैसे पुरुष हैं आप शाश्वत पुरुष हैं दिव्य पुरुष हैं आदि पुरुष हैं और अजन्मा पुरुष हैं और विभू पुरुष तो पांच विशेषताएं पुरुष की हैं। तीन बातें अर्जुन ने कही तो उन तीनों में पहली पंक्ति में तीनों में परम शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने और चौथे दूसरे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को पुरुष कहा तो पुरुष में पांच विशेषताएं बतलाई और फिर दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं आहोस्त्वाम ऋषिया सर्वे ये बातें आप के बारे में सभी ऋषि बोलते हैं सभी ऋषि बोलते हैं। तो अर्जुन ने ऐसी बात क्यों कही क्योंकि कोई सोचेगा कि अर्जुन भगवान के मित्र हैं तो अपने मित्र का जो है कोई व्यक्ति बढ़ा चढ़ा करके गुणगान करता है तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ ये कहाँ से मैंने सुनी है आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे सभी ऋषि आपको ऐसा बोलते हैं देवर्षिर नारद तथा तो सभी ऋषियों में से फिर विशेष कौन है देव ऋषि नारद देवर्षिर नारद तथा असितो देवलो व्यास और फिर असित मुनि देवल मुनि और व्यास मुनि है ना मतलब इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं आपको जो बोलते हैं फिर स्वयं चै ब्रवीस में फिर आप स्वयं बोल रहे हैं तो उन सबसे ऊपर आप हैं तो आप स्वयं बोल रहे हैं तो पहले अर्जुन ने कहा कि आप स्वयं बोल रहे हैं पहले तो कहा कि आपको ये सब लोग बोल रहे हैं उसके बाद फिर जो है भगवान की प्रामाणिकता होती है कि भगवान कितने ऊँचे हैं और भगवान का जो कहना है वो कितना प्रामाणिक है इसी बाद में अर्जुन ने कहा स्वयं चै ब्रवीस में तो अर्जुन ने अपनी बात को जो है सबसे नीचे रखा कि मेरी बात अगर नहीं मानी जाए
और मैं आपका मित्र हूँ, तो मित्र होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे है तो फिर है अर्जुन बताते हैं कि आपको कौन कहते हैं, सभी ऋषि बोलते हैं। और सभी ऋषियों में भी कौन है, देवर्षि नारद, फिर असित मुनि है, देवल मुनि और व्यास मुनि, है ना। और फिर उनसे भी ऊपर आप स्वयं बोल रहे हैं, आप स्वयं बोल रहे हैं, है ना। उससे बढ़कर के और प्रमाण कोई नहीं हो सकता है, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शील प्रभुपाद की इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, आधुनिक दार्शनिक, जो आजकल के आधुनिक हैं दार्शनिक हैं, तो वे अपने मानसिक चिंतन के द्वारा किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो अपने मानसिक चिंतन के द्वारा आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं, है? तो आधुनिक दार्शनिकों के प्रभुपाद ने तुलना की है किनसे, मेढक से। उसको बोलते हैं कूप मंडूक, संस्कृत में बोलते हैं कूप मंडूक, है ना। तो कुएं के अंदर जो मेढक है वो क्या सोचता है कि इतनी ही दुनिया है। कुएं के अंदर जो मेढक है वो क्या सोचता है कि मैंने पूरी दुनिया का पता लगा लिया और पूरी दुनिया छान ली। और मेढक जो है सब चक्कर लगा लेता है कुएं के, और मैंने पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ली, पूरी दुनिया में जानता हूँ, इतनी ही दुनिया है। तो उसको कहते हैं कूप मंडूक। तो आजकल के दार्शनिक हैं उसी प्रकार से हैं, भगवान को नहीं जान सकते। कुएं के अंदर बैठा है वो क्या जानता है, कितनी बड़ी दुनिया है कुएं के बाहर, हैं कितनी बड़ी सृष्टि है, जल में और थल में और नभ में कितने जीव हैं, है ना। और क्या मतलब भारत देश है, अमेरिका है, उसे क्या पता है, उसे कुछ पता नहीं है। उसको तो इतनी पता है कि बस इतनी ही दुनिया है, उसे कहते हैं कूप मंडूक, है ना। तो आधुनिक दार्शनिकों को प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भगवान द अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यह यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। तो दार्शनिक समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक ये ज्ञान हमें उच्च परंपरा से नहीं प्राप्त होता है तब तक आप नहीं समझ सकते हैं। तो अपने मानसिक चिंतन के द्वारा आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा है तो अपने मानसिक चिंतन के द्वारा समझ नहीं सकता है कि मेरा पिता कौन है। उसे अपनी माता से ये सूचना प्राप्त होती है कि मेरे पिता ये हैं। तो अपने मानसिक चिंतन के द्वारा या अपने प्रयोगों के द्वारा वो अपने पिता को नहीं जान सकता, है ना। उसी प्रकार से भगवान के बारे में अगर जानना है तो हमें भगवान से ही जानना है, या भगवान की परंपरा में जो आचार्य हैं उनके द्वारा जानना है। तो ऐसी जो बातें हैं ये प्रभुपाद ही लिखते हैं, प्रभुपाद ने ही बोली हैं, है ना। इसलिए इसको कहते हैं मूवमेंट, कि ये जो है आंदोलन है, क्योंकि ऐसी बातें हैं इसके पहले किसी ने नहीं बोली। आधुनिक दार्शनिकों की इस प्रकार से जो है निंदा किसी ने नहीं की, है ना। लेकिन प्रभुपाद हैं ऐसे निर्भीक, ऐसे साहसी, जो कि इस प्रकार से बताते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस अध्याय के चार महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएँ जाती रहीं। इस अध्याय के चार महत्वपूर्ण श्लोक कौन कौन से हैं, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 चतुश्लोक की गीता, है ना। ये गीता सार, अगर गीता सार समझना है तो ये है गीता सार। ये बाजार में जो गीता सार आता है वो नहीं है गीता सार, है ना। असली गीता सार ये है, है ना। तो चार महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएँ जाती रहीं, और उन्होंने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उन्होंने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं, प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है।
हाँ भगवान कह चुके हैं है? भगवान ने क्या कहा था, नमे विदुः सुरगणा प्रभुवम नाम महर्षिः अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, कि मैं सबका आदि हूँ और मुझे देवता और महर्षि लोग नहीं जानते हैं, है ना। आगे वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। कौन वे कौन हैं, वे का मतलब है जो आधुनिक दार्शनिक, आधुनिक दार्शनिक क्यों कि प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं, आधुनिक दार्शनिक क्या समझते हैं, अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं और वे सोचते हैं कि हम अपनी मानसिक कल्पना के द्वारा हम जान लेंगे सत्य को जान लेंगे, लेकिन नहीं जान सकते। अपने मानसिक कल्पना के द्वारा आप कुछ भी नहीं जान सकते, हर चीज जानने के लिए हमें कुछ अधिकारियों का सहारा लेना पड़ता है, अधिकारियों से जानना पड़ता है। तो आप अपने प्रयास से हर चीज़ नहीं जान सकते। तो इसी प्रकार से हमें भगवान के बारे में अगर जानना है तो हमें अधिकारियों से जानना होगा, शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, तो ये हमारे अधिकारी होते हैं। आगे प्रभु लिखते हैं, ऐसा ज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने व्याख्या की है, पिछले श्लोक यानी श्लोक संख्या 11, उसमें भगवान ने क्या कहा है, तेषाम एव अनुकम्पार्थम अहम् ज्ञान जमतमः, तो उनके ऊपर ही कृपा करने के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नाशयामि, नष्ट करता हूँ। आत्मभावस्थो हृदय में स्थित होकर के ज्ञान दीपेन भासुता, प्रकाशमान ज्ञान के दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूँ, नष्ट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि पिछले श्लोक भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहे हैं, है ना। तो आजकल तो यही हो रहा है, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ थोड़ा सा प्रभाव आ जाए तो उसके जो निकट के संपर्क में होते हैं तो वे लोग जो है घोषणा करने लगते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है। तो ऐसे बहुत से भगवान हैं, तो लोग जो है अपने संपर्क में किसी व्यक्ति को कुछ प्रभाव हो तो उसको जो है भगवान घोषित करते रहते हैं, है ना। तो अर्जुन को इस बात का की चिंता है कि आगे चल करके लोग मेरी बात को भी ऐसे कहेंगे कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ इसलिए मैंने कृष्ण को भगवान बना दिया, है ना। तो इसलिए अर्जुन ने क्या कहा, आहुस त्वाम ऋषिया, सब ऋषि आपको बोलते हैं। अब ऋषियों का जीवन कितना त्याग का होता है, कितना तपस्या का होता है, सब इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके और वे दिन रात चिंतन करते हैं परम सत्य का, है ना। तो वे थोड़ी झूठ बोलेंगे जिन्होंने सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का त्याग किया है और तपस्या में लगे हुए हैं, है ना। तो वे थोड़ी झूठ बोलेंगे, इसलिए अर्जुन कहते हैं आहोस त्वाम ऋषिः सर्वे, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहे हैं। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहते हैं उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं, है ना। तो ये वेदों का आदेश है। गीता में भी भगवान ने कहा है भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्त्वतः, कि भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, तत्व से जानता है। आगे प्रभु लिखते हैं, केन उपनिषद में कहा गया है
कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है ना। कृष्ण का ये निरंतर चिंतन स्मरणम है जो भक्ति की नौ विधियों में से है ना। तो मुंडक उपनिषद में भक्ति की चर्चा तो नहीं हुई है, लेकिन जब ये कहा गया कि निरंतर चिंतन करना है तो भक्ति में जो नौ प्रकार के विधियों में एक स्मरण भक्ति है, तो प्रभुपाद कहते हैं वो भक्ति ही है निरंतर चिंतन करना है ना। निरंतर चिंतन करना है कैसे? अनुकूलता में, अनुकूल भाव में चिंतन करना है। एक तो शत्रु भाव में चिंतन करना कृष्ण का, तो शत्रु भाव में चिंतन करना ये भक्ति नहीं कहलाती, लेकिन अनुकूल भाव में चिंतन करना है कृष्ण का, तो स्मरण भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। तो ये चार श्लोक जो भगवान ने बताए हैं उसमें भी यही है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांदिति। जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं तेषाम सतत योगता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, तो मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ ये नमाम उपयांदिति जिसके द्वारा वे मेरे निकट आते हैं। आगे वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। तो देखिए पहले तो परम ब्रह्म है, अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म, तो इसकी चर्चा प्रभुपाद ने की है, और केन उपनिषद में भी परम ब्रह्म की बात जो बताई गई है कि वो सब हर चीज़ के आश्रित हैं, और कृष्ण ने अपने को कहा कि मुझ पर आश्रित सब कुछ है, इसलिए अर्जुन ने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है। अब दूसरा जो शब्द है वो है परम ब्रह्म है परम धाम। हाँ परम धाम, परम धाम का मतलब है आश्रय, परम आश्रय हैं कृष्ण, परम ब्रह्म भी हैं यानी परम सत्य भी हैं, और परम धाम भी हैं यानी परम आश्रय भी हैं। तो आश्रय की भी यहाँ व्याख्या प्रभुपाद ने की है कि केन उपनिषद में कहा गया है कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु का आश्रय है, यानी परम धाम वही है, हर चीज़ का जो अस्तित्व है आश्रय है, यानी मिट नहीं रही तो ये कृष्ण के कारण है। हर चीज जो टिकी हुई है वो कैसे टिकी है? कृष्ण के कारण टिकी हुई है। समय के अनुसार हर चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी ये सब दुनिया में ये जितनी भी चीज़ें टिकी हुई हैं ये कैसे टिकी हुई हैं? कृष्ण के कारण टिकी हुई हैं। इतनी वैरायटी है, इतनी विविधताएं हैं, सब कुछ हैं, तो कृष्ण के कारण टिकी हुई हैं है ना। तो परम धाम भी हैं कृष्ण, परम सत्य भी हैं परम ब्रह्म, और परम धाम भी हैं यानी हर चीज़ के आश्रय भी हैं। इसके बाद परम ब्रह्म है परम धाम है, इसके बाद पवित्रम परमम, परम पवित्र। तो प्रभु को लिखते हैं वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वो समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। तो कृष्ण को मानने मात्र से, कृष्ण को जानने मात्र से ही कोई व्यक्ति सब पापों से शुद्ध हो जाता है, और वैसे पापों से शुद्ध होने के बड़े बड़े प्रायश्चित हैं, और बड़े कठिन प्रायश्चित हैं है? लेकिन एक विधि इतनी सरल है कि आप केवल मान लें है? तो मानने से आप सब पापों से मुक्त हो जाते हैं है? समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती है ना। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर भगवान को परम पवित्र मान ले है तो वो नहीं माना जाता है कि मान लिया, अगर मान लिया है तो शरण लीजिए, और आप अगर शरण नहीं लेते हैं तो इसका मतलब आप नहीं मान रहे। ऐसा थोड़ी है कि मैं मानता हूँ, अगर आप मानते हैं तो आप शरण लीजिए उनकी है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि कृष्ण का मेरी शरण में माँ में कम शरणम ब्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षेष्यामि माँ सोचा है ना। तो कोई व्यक्ति अगर कृष्ण की शरण ना ले और कहे मैं कृष्ण को परम पवित्र मानता हूँ
है ना, तो वो मानना नहीं है, है ना। मानना तभी होता है जब आप कृष्ण की शरण लें। आगे, अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है, इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। आगे, कृष्ण भगवान हैं और मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनके उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। अब दिव्य संबंध प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। तो अगला जो अगले शब्द हैं अर्जुन के, वो क्या हैं? परमम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, कि आप पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं? शाश्वत पुरुष हैं और दिव्य पुरुष हैं। तो आप शाश्वत पुरुष हैं और दिव्य पुरुष हैं, तो ये जो विशेषताएं हैं और किसी में नहीं है। हम लोग भी जीव हैं लेकिन पुरुष नहीं हैं, हम लोग पुरुष नहीं हैं, हम लोग प्रकृति हैं। प्रकृति का कार्य है पुरुष की सेवा करना, पुरुष को सुख प्रदान करना। प्रकृति स्वतंत्र नहीं हो सकती, और हम जो जीवात्माएं हैं ये प्रकृति हैं जिनका कार्य है पुरुष की सेवा करना, यानी कृष्ण की सेवा करना। लेकिन हम अपने इस स्वभाव को भूल गए हैं, प्रकृति के स्वभाव को भूल गए हैं और पुरुष समझ रहे हैं, पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कष्ट मिल रहा है। पुरुष का मतलब स्वतंत्र और जो प्रकृति का मतलब आश्रित। तो हम भगवान की प्रकृति हैं। सातवें अध्याय में भगवान ने कहा है कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, है ना। तो भगवान की अपरा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति हम जीवात्माएं हैं। तो हम जो है प्रकृति हैं, लेकिन पुरुष एकमात्र कौन है? कृष्ण है। पुरुष एकमात्र कृष्ण है, भोक्ता एकमात्र कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो जो कृष्ण को परम भोक्ता माने हैं तो क्या होता है? ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, तो शांति प्राप्त होती है, है ना। लेकिन अगर आप अपने को भोक्ता मानते, अपने को पुरुष मानते, तो उल्टा क्या होगा? अशांति। अशांति का जो कारण है वो यही है कि हम अपने को स्वतंत्र मान रहे हैं, हम अपने को पुरुष मान रहे हैं, हम अपने को भोक्ता मान रहे हैं, हम अपने को नियंता मान रहे हैं, कंट्रोलर। शांति का जो सूत्र है वो केवल यही है, तीन बातें जानना है कृष्ण के बारे में है? तो आपको शांति मिलेगी। शांति का सूत्र जो है भगवान ने गीता में बिल्कुल सरल दिया है। इस सूत्र को छोड़ करके, भूल करके लोग जो है शांति के अलग अलग सूत्र निकालते रहते हैं, और हर साल शांति का पुरस्कार कोई ना कोई मूर्ख ले लेता है। और गीता में भगवान ने जो शांति का सूत्र बताया है कि तीन चीज़ें आपको समझना है, हैं कि कृष्ण ही परम भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, कृष्ण पुरुष हैं, कृष्ण भोक्ता हैं, है ना। और कृष्ण ही ईश्वर है, नियंता कंट्रोलर कृष्ण है, सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानम, और कृष्ण ही सबके सुहृद हैं। मैं किसी का भला नहीं कर सकता, कृष्ण ही भला करने वाले हैं सबका। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, तो कृष्ण को तीन प्रकार से अगर आप जान लें तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। तो शांति का इतना सरल उपाय है भगवान ने गीता में दिया है, उसको भूले हुए हैं लोग हैं, और अपनी मूर्खता से कुछ भी शांति के उपाय निकालते हैं, और हर साल किसी न किसी मूर्ख को नोबेल पुरस्कार मिल जाता है शांति का, है ना। शांति तो मिलती नहीं, ये शांति का पुरस्कार मिल जाता है, शांति किसी को नहीं मिलती, है। तो यहाँ पर दिव्य संबंध तो यहाँ पर उपर कहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और मनुष्य को चाहिए कि वो निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध है स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं, परम अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब क्या कि व्यक्ति हैं। कृष्ण एक व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, अस्तित्व हैं। ये नहीं कि मानो तो है और नहीं मानो तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई अगर मानता है तो आप हैं और नहीं तो आप नहीं हैं, तो आपको कैसा लगेगा?
बुरा लगे कि आप हैं है? और आपको मैं कहूँ भाई अगर माने तो आप हैं यहाँ पर बैठे हैं, और नहीं मानो तो आप नहीं बैठे हैं, तो कैसा लगेगा? उसी प्रकार से कृष्ण है ना, तो एक व्यक्ति हैं वे है? और आप कहते हैं कि मानो तो कृष्ण है भगवान है, नहीं मानो तो नहीं है, तो मूर्खता है ना? तो यहाँ पर दिव्य संबंध स्थापित करें, वे परम अस्तित्व है, अस्तित्व है, तो उसी को आस्तिक बोलते हैं। आस्तिक का मतलब है जो मानता, अस्ति अस्ति से आस्तिक बना है, तो जो मानता है कि भगवान है ईश्वर हैं, अस्ति है ईश्वर अस्ति, तो उसको कहते हैं आस्तिक। और दूसरा कहता है ईश्वर न अस्ति, तो उसको कहते हैं नास्तिक। तो एक बोलता है अस्ति यानी है, तो उसको बोलते हैं आस्तिक। दूसरा बोलता है नास्ति नहीं है, तो उसको बोलते हैं नास्तिक, है ना? तो ये वे परम अस्तित्व हैं, है ना? आगे वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। शारीरिक आवश्यकताएँ उनकी नहीं है, और हमारे शरीर की आवश्यकताएँ हैं, खाना भी चाहिए पीना भी चाहिए, ये दवाई वो दवाई है, कपड़ा भी चाहिए, है ना? तो कितने कितने अपने हमारे शरीर की आवश्यकताएँ हैं और हमारे बंधन हैं, लेकिन कृष्ण के शरीर में ऐसी कोई आवश्यकताएँ नहीं है, बंधन नहीं है कि कुछ अगर कमी हो गई तो ये बीमारी हो जाएगी वो बीमारी हो जाएगी ये करेंगे, है ना? और मरने का अलग खतरा है, मृत्यु का अलग खतरा है, तो कृष्ण के शरीर में ऐसी कोई आवश्यकताएं नहीं है, जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है, और भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं यद्यपि मैं जन्मा हूँ किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। चौथे अध्याय अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन्, वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ये भी ब्रह्म संहिता में है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, है ना? सब कारणों के कारण है, और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है, अहम सर्वस्य प्रभु, है ना? ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है, है ना? तो ये पूर्ण ज्ञान है, भगवत कृपा से प्राप्त होता है पूर्ण ज्ञान, मतलब निश्चित ज्ञान। फिर इसमें ये नहीं है कि हो सकता है, पता नहीं हो या ना हो, है ना? तो ये नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान का मतलब होता है कि पूर्ण ज्ञान है, निश्चित ज्ञान है। इसमें ये नहीं है कि कुछ शंका रहे कि भाई पता नहीं है, क्या है क्या नहीं। आगे यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से अपने विचार व्यक्त करते हैं। यदि हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। ये परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। तो ये परंपरा जो है हमारी भी आ रही है, ब्रह्म संप्रदाय इसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी से जो शिष्य परंपरा आ रही है। और कलयुग में चार परंपराएँ रहती हैं जो पृथ्वी को पवित्र कर रही हैं। ये चार संप्रदाय हैं जो पृथ्वी को पवित्र कर रहे हैं कलयुग में। ये वैष्णवों के चार संप्रदाय हैं जिन में जो है ये ज्ञान प्राप्त होता है हमको कृष्ण के बारे में। एक ब्रह्म संप्रदाय या मध्य संप्रदाय, और दूसरा रुद्र संप्रदाय या विष्णु स्वामी संप्रदाय, और तीसरा कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय, और चौथा श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय। तो चार संप्रदाय ये वैष्णवों के हैं, वैष्णवा क्षिति पावना। तो कलयुग में चार संप्रदाय परंपरा, है ना? ये परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवद गीता को नहीं समझा जा सकता। ये तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है, तथाकथित विद्यालय, क्योंकि आजकल की जो विद्यालयों की शिक्षा है तो उसमें कोई परंपरा होती नहीं। तो विद्यालयों की जो शिक्षा है वो अपने प्रयोगों के द्वारा ही कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा वो जो शिक्षा दी जा रही है, इसमें कोई परंपरा नहीं है कि मतलब ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, है ना? तो ये नहीं है। और इसलिए इस प्रकार से विद्यालयों की शिक्षा है वो हमेशा बदलती रहती है, निष्कर्ष बदलते रहते हैं,
कोई भी दवाई उन्होंने जो है मतलब खोजी है कि भाई ये बीमारी है को ठीक कर रही, फिर बाद में पता चलता है कि ये कोई नई बीमारी पैदा कर रही है, इसको छोड़ो। तो हमेशा ये बदलते रहते हैं, विद्यालय के निष्कर्ष बदलते रहते हैं। आगे, दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। तो दुराग्रह का मतलब क्या है, कि कोई व्यक्ति अपना अड़ा हुआ है उसको कहते हैं अड़ियल, तो दुराग्रह में अड़ा है, तो इतने सब प्रमाणों के होते हुए वो अपना दुराग्रह पकड़े हुए हैं, अपनी जिद पकड़े हुए हैं। तो आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी एक जिद पकड़े हुए, उन्होंने एक जिद पकड़ ली है, और उनकी जिद क्या है कि ईश्वर को नहीं मानना है, ईश्वर को नहीं मानना है। तो अगर आप उनसे प्रश्न पूछें कि ये सब जो है कंट्रोल कैसे हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है ठीक समय पर, अस्त हो रहा है, ऋतुएँ आ रही हैं समय पर, और ये सब जो है कैसे व्यवस्था हो रही है पूरी सृष्टि की, तो उनका क्या उत्तर होता है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो किसकी प्रकृति, प्रकृति जो है कभी भी अगर होती है तो किसकी प्रकृति, किसी की प्रकृति तो है, प्रकृति अपने आप में नहीं होती, जैसे आपकी प्रकृति, हमारी प्रकृति, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। तो प्रकृति जो है अपने आप में कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है, किसकी प्रकृति, जैसे वो कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन है, प्रकृति जो है एक ऑटोमेटिक मशीन है, तो ऑटोमेटिक मशीन कोई नहीं है ऐसी जो बिना ऑपरेटर के चले, आज तक ऐसी कोई मशीन ऑटोमेटिक नहीं बनी है कि बिना ऑपरेटर के चले, कोई ऑपरेटर होना चाहिए। तो प्रकृति को जो है वैज्ञानिक लोग कहते हैं भाई प्रकृति से सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका कोई पुरुष होना चाहिए, कोई कंट्रोलर होना चाहिए। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सोएते सचराचरण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति उत्पन्न करती सब चराचर जीवों को, है ना। तो कोई पुरुष होना चाहिए, तो चूंकि वे पुरुष को नहीं मानना चाहते, क्यों पुरुष को नहीं मानना चाहते, क्योंकि अगर पुरुष को मानेंगे तो फिर उनके आदेश को मानना पड़ेगा, है, और फिर उनके आदेश के विरुद्ध अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें हमारी फिर जो है निंदा की बात है, तो इसलिए वो पुरुष नहीं माना चाहते, कोई पुरुष नहीं है, कोई प्रकृति है, केवल प्रकृति है, प्रकृति से सब कुछ हो रहा है, है ना। तो फिर किसी आदेश की आवश्यकता ही नहीं कि हम किसी आदेश का पालन करें, है ना। तो इस तरह से यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया गया कि कुछ विशेष सूचनाएं हैं, तो कहाँ गए प्रभु जी, आइए एक प्रश्न, ठीक एक प्रश्न करिए। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि भगवान श्री कृष्ण को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मतलब तो फिर जैसे हम लोग भोग लगाते हैं तो वो उनके लिए आवश्यकता है। हाँ, हम भगवान को जब भोग लगाते हैं उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, तदहम भक्ति प्रथम अस्नामी प्रेत आत्मन, हाँ भक्ति के द्वारा दिया हुआ मैं जो है प्रेम पूर्वक खाता हूँ। तो भगवान जो है भक्ति, केवल भक्ति उनकी आवश्यकता है, भगवान को आवश्यकता केवल भक्ति की और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति से भी प्रसन्न होते हैं, ये एक विधि, ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, सुंदर प्रवचन के लिए प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।